तो हेलो गाइस, मेरा नाम शिवम और शिवम की इन्वेंशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक रोबो बर्ड, जिसका है ये पार्ट 3। और आज की वीडियो में हम लोग इसको पूरा का पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे वीडियोज़ पर काफ़ी कम व्यूज़ आते हैं और जितने व्यूज़ आते हैं उतने लाइक भी नहीं आते। मैंने पिछली वीडियो में बोला था आप लोगों को इस वीडियो को वायरल कर दो यार प्लीज़। आप लोग अगर आप लोगों ने हर वीडियो पर लाइक किया, मतलब उस वीडियो पर लाइक किया होता, कमेंट किया होता और अपने दोस्तों तक शेयर किया होता, ज़रूर मेरी वीडियो वायरल हो जाती या फिर 1K व्यू तो आराम से चले ही जाते। बट आप लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। और गाइज, अगर आप लोग इस रोबो बर्ड को बनाना चाहते हो तो इसके पिछले पार्ट्स भी आप लोग को देखने पड़ेंगे, क्योंकि गाइज मैंने ऑलमोस्ट यहाँ तक इस रोबो बर्ड को रेडी कर दिया और यहाँ तक कैसे कैसे किया वो आप लोगों को पिछले दो पार्ट्स में ही मिलेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, और ये पार्ट 3 है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग इसको पूरा का पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। हाँ, तो गाइस इस वीडियो को करते हैं हम लोग फटाफट। इस वीडियो में हम लोग मतलब इसका विंग बनाने वाले हैं और टेल में जो मटेरियल लगाने वाले हैं, यहाँ तक का हम लोगों ने टेल कंप्लीट किया था पिछले वीडियो में, तो फटाफट से शुरू करते हैं। तो गाइस अब हम लोग क्या करना है, कुछ इस तरीके की दो झाड़ू की लकड़ियाँ ले लेनी है और इसका मेजरमेंट भी नहीं बताने वाला हूँ मैं, और मैंने बॉडी के अंदर किसी भी चीज़ का मेजरमेंट नहीं बताया। अगर आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करो, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था बट आप लोगों ने कमेंट नहीं करा। अगर आप लोग को बनाना है और अगर आप लोग को इसका मेजरमेंट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करो, ठीक है। आगे के प्रोसेस के लिए इस लकड़ी के साथ साथ हम लोगों को इस शाफ्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मेरी तरह सीधी है और आप लोगों की तरह नहीं, आई मीन आप लोग तो इससे भी सीधे हो कि हम लोग आपको हर एक चीज़ दिखाएंगे, हर एक स्टेप दिखाएंगे, हर एक चीज़ नहीं, इसकी हर एक चीज़ दिखाने वाला है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इस शाफ्ट को ले लेने वाले हैं कुछ इस तरीके से। सेफ्टी पिन को हम लोगों ने इसको सीधा करके बनाया, सेफ्टी पिन को मैंने सीधा कर दिया और ये वाला डिफिल के अंदर ये वाली शाफ्ट इजीली चली जा रही है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से पीछे की तरफ थोड़ा सा शाफ्ट को छोड़ देंगे एंड हम लोग क्या करेंगे यहाँ से इसको बैंड कर देंगे। और गाइस अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से लुल्लू टाइप एम जुड़ गया, इस तरीके की हो चुकी है ये वाली शाफ्ट। एंड हम लोग क्या करेंगे, जहाँ तक ये वाली क्या कहते हैं उसको, हाँ अरे इस गियर बॉक्स का जो डंटा जो भी है निकला हुआ शाफ्ट, वहाँ तक हम इसको ले आएंगे। एंड फिर हम लोग क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से इसको नीचे की साइड बैंड करेंगे एक बार। अब क्या करना है, इसको आगे की तरफ इस तरीके से बैंड करना है। थोड़ा ज़्यादा हो गया, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये ज़्यादा हो गया भैया, एक मिनट सीधा करो। एंड इसी तरीके से मैं दोनों साइड कर लूँगा और मैं फटाफट से कर लेता हूँ। और गाइस ये कुछ इस तरीके से बैंड हो चुका है। एंड हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे अपनी लकड़ी जिसका मेजरमेंट मैंने आप लोगों को अभी तक नहीं बताया, नहीं मैं बताने वाला हूँ। और इस तरीके से मैं इसको लगा के एंड धागा लपेट के, जैसा कि हम लोगों ने पूरा का पूरा सब में ज्वाइन किया है वैसे धागा लपेट के इसमें फेविक्विक डाल देंगे एंड सेम प्रोसेस हम लोग इस साइड भी कर देंगे। मैं फटाफट से कर लेता हूँ, चलो। हाँ तो गाइज़ ये यहाँ तक इस तरीके से कंप्लीट हो चुका है। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं यहाँ पे इसको बांधूंगा एंड उसके साथ ही साथ मैंने यहाँ पे फंसा दिया और ये एकदम फ्री फंसा है। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे वायर जो होता है वो वाले मतलब मोटे वाले वायर को हम लोगों ने फंसा किया एंड उसके अंदर फेविक्विक डाल दिया, जैसे ये इसके अंदर से निकलेगा नहीं, दोनों साइड मैंने सेम ही किया है। और मैं इसलिए इतना जल्दी जल्दी बताया जा रहा हूँ, मतलब इसलिए इतनी जल्दी जल्दी किया जा रहा हूँ जिससे आप लोग का टाइम भी बचे बच्चे और आप लोग फटाफट से इसको कर पाओ। और ये काफ़ी मस्त दोनों साइड सेम मैंने कर दिया है। अब हम लोगों को आगे के लिए हम लोगों को चाहिए कुछ इस तरीके के दो क्रैंक्स, जिसको क्रैंक बोलते हैं आप लोग, मतलब मैंने नाम नहीं रखा इसको। हम लोगों को चाहिए आगे के लिए ये दो क्रैंक्स कुछ इस तरीके से, जिसको मैंने PVC सीट से बनाया है। और अगर आप लोगों को चाहिए तो इसका मतलब बनाने का तरीका मैं अलग से डाल दूंगा, वैसे तो आप लोग समझ ही जाओगे। एंड इसके अंदर मैंने कुछ इस तरीके से छेद कर दिया है, ओके। और गाइज मैंने कुछ इस तरीके के इसके अंदर होल कर दिए हैं। इस होल का हम लोग क्या करना है, जिधर से ये मुड़ा हुआ है कुछ इस तरीके से इसको हम लोग को नीचे रखना है एंड इस सीधे वाले पीस को ऊपर रखना है और इसको यहाँ पे फंसाना है, ऊपर वाले छेद को इस पिन में फंसाना है एंड नीचे वाले को यहाँ पे हम लोग को फंसा देना। कर लेता हूँ पहले। हाँ तो गाइज ये हम लोग का मतलब फ्लैपिंग बर्ड यहाँ तक कम्प्लीट चुका है और मैंने काफ़ी सारे पार्ट्स की इसकी वीडियो डिलीट हो गई, तो उसके लिए सॉरी। मैं आप लोग को मोटा मोटी समझा देता हूँ यहाँ पर मैंने क्या किया है, कैसे किया है। अगर देखो, जैसा कि मैंने आप लोग को बैंड करना बता दिया था और इसके बाद मैंने इसको धागे से यहाँ तक लपेट दिया, ठीक है। एंड मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे एल टाइप का एक तरीके से यहाँ पे मैंने उसी लोहे का शाफ्ट का बना दिया और सेम दोनों साइड, जैसा मैं एक साइड समझा रहा हूँ वैसा ही मैंने दोनों साइड ही करा है। तो और एल टाइप का बनाने के बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक झाड़ू की लकड़ी और लगा के एंड इसके लास्ट में हम लोगों ने इसको लगा दिया, सेम मैंने इधर भी किया। और इसके बाद इस हम लोगों ने जो पिछले पार्ट में ये वाली रिफिल लगाई थी यहाँ पे, इसके अंदर इस शाफ्ट को फंसाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक तार के मतलब तार का जो कवर होता है प्लास्टिक का, उसका मतलब छील के इसके बाद इसमें हम लोगों ने लगा दिया एंड उसके ऊपर से फेविक्विक डाल दिया, दोनों साइड वैसा ही है। और गाइस इसके साथ ही हम लोगों ने जो आप लोगों को क्रैंक बताया था वो उसकी वीडियो तो मैं अगर आप लोग को चाहिए तो मैं अगले वीडियो उसी की डाल दूंगा। और उस क्रैंक को भी मैंने कुछ इसी तरीके से फिक्स किया है, इधर मैंने एक मोती का यूज़ कर लिया, इसके लिए आप लोग डायरेक्टली जो मैंने वायर वाला सिस्टम बताया था वही का यूज़ कर सकते हो। फेविक्विक से मैंने दोनों तरफ चिपका दिया है, सेम इधर भी है और सेम चारों यहाँ पे इधर 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 सब जगह वही है, ठीक है।
और ये कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो चुका है एंड ये काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, बट मैं आप लोगों को अभी नहीं दिखाने वाला हूँ। अब हम लोग आते हैं गाइस यार इसके आगे के मतलब आगे के पार्ट्स पे, जैसे कि हो गया गाइस इसके अंदर हम लोग को लगाना है पिछला वाला टेल एंड दोनों विंग्स। तो इधर फटाफट से हम लोग ले आते हैं इसके टेल एंड विंग्स। हाँ तो गाइस इसके टेल और विंग्स बनाने के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं इस तरीके के थर्मोकोल का। सबसे पहले हम लोग इसको साइड करेंगे एंड यहाँ पे देखो ये वाला मैंने टेल बना। हाँ तो गाइस रेडी हो चुका है हम लोग का फ्लैपिंग बर्ड कुछ इस तरीके से। और मैंने जैसा कि आप लोग को बताया था कि इस वीडियो के काफ़ी सारे पार्ट्स डिलीट हो गए, तो ये कुछ इस तरीके का कंप्लीट हो चुका है। मैंने क्या किया थर्मोकोल को एकदम थर्मोकोल के पतले से सीट को, या फिर आप लोग इसके लिए प्लेट भी ले सकते हो, उसको भी आप लोग इस शेप में काट के और इस तरीके से टेप की हेल्प। बट गाइस इस वीडियो का जितना पार्ट भी डिलीट हुआ वो मेरे हिसाब से अच्छा ही हुआ, क्योंकि गाइस ये रोबो बर्ड उड़ नहीं सकता है। जी हाँ गाइस इतना सारा मेहनत करने के बाद पार्ट वन पार्ट टू एंड ये पार्ट थ्री है, फिर भी गाइस ये रोबो बर्ड उड़ नहीं पाया। क्योंकि गाइस क्या हुआ मैं आप लोग को डायरेक्टली प्रैक्टिकली ही दिखा देता हूँ। ये हम लोग का रोबो बर्ड एंड हम लोग ये वाली बैटरी यूज़ करने वाले थे इसके अंदर, मैंने यही सोच कर रखा था कि ये वाली बैटरी हम लोग लगाने वाले हैं। तो ये बैटरी भी फुल चार्ज तो नहीं है बट फिर भी चार्ज है, मैं आप लोग को पहले दिखाता हूँ इसकी स्पीड। हाँ तो गाइज देखिए आप लोग इसकी स्पीड, तो काफ़ी ज़्यादा है, बट इसको बनाते समय मैंने हवा के पावर को अंडर एस्टिमेट कर दिया। बट अगर आप लोग चाहो तो इसको बना के एंड शोकेस के लिए रख सकते हो, ये काफ़ी क्यूट एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो आप लोग इसको बना सकते हो बट ये फ्लाई नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए सॉरी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।